सोलन में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते शहरवासियों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। चुनावों के दौर में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। हाथ मिलाने से लेकर गले मिलने तक की रस्में पूर्ण रूप से बिना किसी डर के निभाई गई। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण शहर में फैलता ही जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के 3 नेता भी संक्रमित हो चुके हैं। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुक्ता रस्तोगी ने सभी को जागरूक रहने की सलाह दी है और बताया कि कोरोना पहले से अधिक घातक होता दिखाई दे रहा है, इसलिए कोविड नियमों की पालना करना बेहद आवश्यक है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुक्ता रस्तोगी ने बताया कि पिछले कल जिला सोलन में 77 मामले कोरोना के आए हैं, जिसमें से 12 मामले सोलन शहर के हैं। 682 जिला में अभी भी कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या है, जिनमें से 663 संक्रमित रोगियों को घर में ही पृथक रखा गया है। 25 का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक जिला में 8092 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 7334 व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि वे प्रतिदिन जिला में करीबन 900 रोगियों का टेस्ट कर रहे हैं। पिछले कल जो है हमारे टोटल 77 केसेस आए थे पॉजिटिव, और अभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट में है इस समय 682 जो है वो एक्टिव केसेस हैं। टोटल जो हमारे पॉजिटिव आए हैं डिस्ट्रिक्ट में 8092 8092 केसेस आ चुके हैं, जिसमें से 7334 केस जो है वो पूरी तरह क्योर हो चुके हैं। अभी इसमें से जो हमारे 682 केसेस हैं, इसमें से 663 केसेस जो है वो होम आइसोलेशन में है, 5 DCC में है, 9 जो है वो DCHC काठा में है, और 5 जो है वो MMU हॉस्पिटल, मतलब जो DCH है हमारा, उसमें है। काफी ज्यादा मात्रा में हमारी सैंपलिंग हो रही है। करीब हमारे 800 से 900 सैंपलिंग का डेली का एवरेज आ रहा है, जो हम RT-PCR और RAT की टेस्टिंग कर रहे हैं।